को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हम गैर मुस्लिमों से बोले कि अगर हमारे हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आकर खड़े हो, अगर वो हमारी शर्तों पर खड़े नहीं होते तो वो हमारे हमदर्द नहीं है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कटकर अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। इन दिनों देशभर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, मारपीट और बदसलूकी कर रहे हैं कुछ भ्रमित लोग। साथ ही इस प्रदर्शनों में देशी विरोधी, हिंदू विरोधी और आज़ादी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुलेआम असम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहा है। शख्स का नाम शर्जील इमाम बताया जा रहा है और इसे शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का ये मास्टरमाइंड। आप एक एग्जांपल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 500,000 लोग थे उसमें रैलियां में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 500,000 लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर नहीं सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पर, उनको हटाने में कोई ना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ लें, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे, तालियां होंगी हमारे आवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकली आज तक,